मॉर्निंग। मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल का फुल फॉर्म है मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, स्पेशली ये कमीशन के लिए है और काफ़ी कमीशन में ये पूछे हुआ क्वेश्चन है, करीब 6-7 कमीशन में पूछे हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस ध्यान से देखें। इसमें ठीक उल्टा मैं लेके आया हूँ कि पावर ज़्यादा है तो कम पावर पूछता हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारा अलजेब्रा का क्वेश्चन मैं डाल रखा हूँ जिसमें पावर पहले कम है इफ़ बराबर में और पूछता है आपको ज़्यादा पावर का। इसमें पावर ज़्यादा दिया हुआ है और कम का पूछता है, उसको निकालने का टेक्निक क्या है ये देखें। अगर हमारी बताई हुई बात आपको पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबा के ऑल बटन सेलेक्ट करें और खुद लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी करवाएं। ये देखिए x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स 4 है, इसके बैक स्टेप आवे, इससे वैल्यू आप निकाल लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला इससे पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दूसरे वाले वीडियो में अलजेब्रा का उसमें देख लेंगे एक फार्मूला डाल दिया था, वो इसी फार्मूला पे बनेगा, यानी रूट अंडर 527 527 प्लस 2, ये टोटल जुट के हो जाएगा 529, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 23 के बराबर होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 23 के बराबर होगा, ऐसे देखें आप, ठीक है। अब एक स्टेप और आ गया, अभी जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आपके पास निकल गया तो फिर इस एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर इसके लिए हमने फार्मूला छोड़ दिया है, रूट अंडर ये जो वैल्यू निकला वो 23 अब प्लस 2 अलग से लगता है, ये हो गया 25, ये इक्वल टू ये 5 हुआ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हुआ 23, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हुआ 5। तब आपको पूछता है कि एक्स क्यू, तब आपको पूछता है कि एक्स क्यू, याद रखेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना है और एक्स क्यू का वैल्यू इतना है 23 है, ठीक। अब आपको पूछता है कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान निकाले, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये ए क्यू प्लस बी का वैल्यू होता है। ए प्लस 1 बाई क्यू का मान निकला हुआ है 5, इसको 5 रख दें आप, 5 का क्यू माइनस 3, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान हुआ 5, इसको 5 रख दें आप, 5 का क्यू 125 माइनस 5 दिया 15, 125 से 15 घटेगा, ये आपको 110 के बराबर, ये तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकलेगा 110, 125 में से 15 माइनस करेंगे 110, यही आपको जवाब में चुन लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 51, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, यानी x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 3 है। इससे पहले वाले वीडियो में जाएंगे तो हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर अगर समथिंग हो तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसलिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू में ज़रूरत होता है x माइनस 1 बाई एक्स का। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 51 है तो x माइनस 1 बाई एक्स, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देखेंगे तो फार्मूला बताया है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें से 2 घटाना है रूट अंडर के अंडर। ये देखिए कि 51 में से 2 घटेगा तो ये कितना होगा 49, यानी 49 का रूट निकालेंगे तो ये 7 होगा, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 7 हुआ। तो अब कहता है कि एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3 ए बी, 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, याद होगा फार्मूला आपको, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट गया, एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर 7 है, ये 7 का क्यू करें प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये बराबर दिया हुआ है 7, ये बराबर 7 का क्यू करें, 7 दिया ऐसा 49 और 49 सत्य अब करेंगे तो ये बनेगा 343, 343 अब प्लस 7 दिया 21 करेंगे, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 3 आ 1 ये 4 हो जाएगा, 4 आ 2 6, 364 ये इसका आंसर होगा। आपको वीडियो पे मैं दिखाता हूँ, इसको देख ले
आपको पूरा देखने में अगर नहीं आया तो, ठीक है। ये सवाल नंबर दो हो गया। इस तरह का सवाल पूछे एग्जामिनेशन में पूछता ही है, एग्जामिनेशन का ही सवाल है ये कमीशन में, कोई रेलवे में है, कोई एसएससी में है, कोई तब बैंकिंग में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, रूरल बैंक में है, इस तरह के बैंक में, और सीजीएल में कहाँ कहाँ क्वेश्चन ये पूछे हुआ, इतना तो राइट डाउन मैंने नहीं किया, लेकिन कम से कम 11 10 12 जगह पे ये सब क्वेश्चन पूछे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली हम वीडियो बनाते हैं मोबाइल से, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ़ एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर 52 यानी 52, देन एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पावर ज़्यादा है पावर कम है, इसलिए आपको इसमें टेक्निक अपनाना पड़ेगा, बगैर टेक्निक के ये सवाल नहीं बनेगा। पावर ज़्यादा है और पावर कम कहता है, तो आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू यानी एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a इंटू बी, 3 इंटू बी प्लस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको दे रखा है उसने 52 यानी 52 बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसमें क्या करना है कि पुट एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 4, ये जब पुट करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू आपको 52 आ जाएगा, यानी कि 52 बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 इनपुट करेंगे तो 4 माइनस ये एक्स एक्स कट जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 इनपुट करेंगे, ये बराबर 4 चौका 16 16 चौका 64 ये माइनस हो जाएगा 12, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, ये 52 के बराबर आया, 52 के बराबर आया ना, यही 52 आपको इसका आंसर होगा। यही साबित करना था कि एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर अगर 52 इनपुट करते हैं तो इस फॉर्मेट में ये 52 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का आंसर ये आपको 4 के बराबर होगा, यही इनपुट करना था, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें आप, चाहे 3 सवाल मैं बता दिया। देखिए सवाल अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल चुनें और खुद दोस्तों के भी शेयर करें, खुद भी लाइक करें और दोस्तों से भी लाइक कराएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आता हूँ अलजेब्रा का फास्ट ट्रिक के साथ। अगर ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो भी क्वेश्चन लेके अलजेब्रा हो या मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूरे एग्जामिनेशन को फिल्टर करते हैं क्वेश्चन बैंक को, और उससे ये डाटा कलेक्ट करके मैं आप तक ये क्वेश्चन पहुँचाता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बराबर वीडियो देखते रहें। डेली हमारा 2 वीडियो अपलोड होता है किसी भी समय, जो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इमीडिएटली आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जिससे हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आपने वीडियो वॉच किया इसलिए थैंक यू वेरी मच। ये कमीशन पर्पस की मैथमेटिक्स है, जनरल स्कूल के मैथमेटिक्स से इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए कमीशन के जो लोग तैयारी करते हैं वो कृपया इसको ध्यान से देखें और अपने नोटबुक में तैयार करें, इसलिए कि ब्रेन से एस्केप हो सकता है, नोटबुक से एस्केप नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नई वीडियो लेके आप तक पहुँचेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।